सिविल सेवा परीक्षा 2017 के रिजल्ट्स में पिंक पावर का भी खासा दबदबा रहा। शुरुआती 26 टॉपर्स में से 9 महिलाएं थीं। हर किसी की अपनी कहानी है जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। कोई बचपन से ही पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि पढ़ाई में खोकर उन्होंने अपने बालों को जला लिया, तो कोई अस्पताल से सीधे परीक्षा हॉल में पहुंची और ब्रेक के दौरान वो ड्रिप लेकर भी सफलता की बुलंदियों को छूने में कामयाब रही। किसी ने दक्षिण भारत के गांव में अभाव की जिंदगी जीकर अपने पिता के सपने को पूरा किया, तो किसी ने किसान चाचा से प्रेरणा लेकर दिल में कलेक्टर बनने का सपना बसाया। कोई बचपन से ही पढ़ाकू के तौर पर जानी जाती थी, तो किसी ने खेल कूद और पढ़ाई दोनों में अपना सिक्का जमाया। किसी ने दुनिया की बेहतरीन नौकरी को छोड़कर IAS बनने की जिद ठान ली। किसी ने अपनी पढ़ाई से वक्त निकालकर गरीब बच्चों को पढ़ाकर सफलता हासिल की, तो किसी ने नौकरी के बाद महीनों रातों की नींद खराब कर डिप्लोमेट बनने के सपने को पूरा किया। तो आइए जानते हैं मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फाउंडेशन कोर्स पूरा कर चुके इन ट्रेनिंग ऑफिसर्स की कहानी लबसना लेडीज स्पेशल। रैंक 9 अंजलि सुरेंद्रनाथन। केरल के कोझिकोड में पली बड़ी अंजलि सुरेंद्रनाथन ने इस साल सिविल सेवा परीक्षा में महिलाओं में 9वीं रैंक और ओवरऑल 26वीं रैंक हासिल की है। पेशे से इंजीनियर रही अंजलि प्रतिष्ठित अकाउंटिंग फर्म डेलॉइट में काम करती थी। अंजलि बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी। 2008 में उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी NTSC को भी क्रैक किया था। उन्होंने पढ़ाई और डिबेट में काफी सारे मेडल्स जीते हैं। नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी अंजलि डिप्लोमेट बनने की चाहत रखती थी और वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, लिहाजा नौकरी के साथ साथ महीनों तक उन्होंने अपने रातों की नींद खराब की और सफलता हासिल की। शुरुआती 2 कोशिशों में प्रीलिम्स में असफल रही अंजलि ने तीसरे प्रयास में 26वां रैंक हासिल किया। अंजलि का सपना एक डिप्लोमेट बनने का था, इसलिए इंडियन फॉरेन सर्विस को उन्होंने अपनी पहली पसंद के तौर पर चुना। लबसना में फाउंडेशन कोर्स पूरा करने के बाद अंजलि फिलहाल दिल्ली के फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में IFS की ट्रेनिंग ले रही है। रैंक 8 तपस्या परिहार। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर नरसिंहपुर के समृद्ध किसान की बेटी तपस्या परिहार ने लड़कियों में 8वां और ओवरऑल 23वां स्थान हासिल किया है। तपस्या को बचपन से ही उनके चाचा ने नौकरशाही में जाने के लिए प्रेरित किया, हालांकि तब वो शब्द का मतलब भी नहीं जानती थी। खुद तपस्या की तमन्ना इंजीनियर बनने की थी, लेकिन उन्हें इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक नहीं मिली, तो उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। लेकिन कानून की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया और नौकरी के ऑफर को छोड़कर वो दिल्ली आ गई। दिल्ली में उन्होंने कोचिंग की पर उन्हें सफलता नहीं मिली, पर हाँ रास्ता जरूर समझ में आ गया। अगली बार सेल्फ स्टडी का फैसला किया और उनकी तपस्या आखिरकार रंग लाई। तपस्या मसूरी के लबसना में IAS की ट्रेनिंग ले रही है। रैंक 7 अभिलाषा अभिनव। रिटायर्ड IPS की बेटी अभिलाषा अभिनव को सिविल सेवा परीक्षा 2017 में महिलाओं में 7वीं और ओवरऑल 18वीं रैंक हासिल हुई है। अभिलाषा के अंदर बचपन से पिता की तरह देश की सेवा की अभिलाषा थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद जब उन्हें IBM में लंदन जाकर काम करने का ऑफर मिला तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। हालांकि वो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन प्लान बी के साथ। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की और फिर सरकारी बैंक में ऑफिसर की नौकरी करते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की। दूसरी कोशिश में उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला, पर अभी उनके मन की कसक बाकी थी। और हाँ, उनकी माँ भी तो यही चाहती थी कि बेटी एक IAS अफसर बने। अभिलाषा की तीसरी कोशिश में माँ और बेटी दोनों की अभिलाषा आखिरकार पूरी हो गई। रैंक 6 शिखा सुरेंद्रन। सपने और उसे पूरा करने की जिद अगर बड़ी हो तो उसके सामने तमाम मुश्किलें छोटी हो जाती हैं। ऐसी ही कहानी है केरल में एर्नाकुलम के एक बेहद सामान्य परिवार में पली बड़ी शिखा सुरेंद्रन की।
शिखा ने इस साल सिविल सेवा परीक्षा में महिलाओं में छठा रैंक हासिल किया है, जबकि उनकी ओवरऑल रैंक 16वीं है। आर्थिक तंगी झेलकर भी पिता ने अपनी बेटी को अफसर बनने का सपना दिखाया। उन्होंने अपनी बेटी के मन में ये बात भर दी थी कि अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है। शिखा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली आ गई, लेकिन यहाँ के माहौल में सामंजस्य नहीं बिठा सकी और वापस केरल में अपने गांव में रहकर तैयारी की। काफी कम किताबों के साथ स्मार्ट स्टडी पर यकीन करने वाली शिखा केरल के गांव की गलियों से निकल के अब सत्ता के गलियारे में जाने की ट्रेनिंग ले रही है। रैंक 5 शिवानी गोयल। बचपन से पढ़ाई में मेधावी रही शिवानी दिल्ली की रहने वाली है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई की है। शिवानी ने लड़कियों में 5वीं और ओवरऑल 15वीं रैंक हासिल की है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले उनके पिता ने शिवानी को स्कूल के दिनों से ही सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रेरित किया। हालांकि जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तब सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए उनकी उम्र कम थी। साल भर इंतजार के बाद उन्होंने परीक्षा दी पर उन्हें सफलता नहीं मिली, पर अगले साल ही वो टॉप रैंकर बन गई। रैंक 4 डॉक्टर नेहा जैन। कभी खेलकूद में अव्वल रही नेहा जैन को सिविल सेवा परीक्षा 2017 में ओवरऑल 14वीं रैंक मिली है, जबकि लड़कियों में वो चौथे नंबर पर रही। दिल्ली के एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी नेहा पेशे से एक डॉक्टर है। नेहा राष्ट्रीय स्तर पर जिमनास्ट खेल चुकी हैं और भरतनाट्यम में भी उन्हें महारत हासिल है। नेहा को ब्लॉग लिखने और नॉवल पढ़ने का भी शौक है और हाँ, नेहा को अपने इस सारे शौक की वजह से सिविल सेवा परीक्षा में भी काफी फायदा हुआ है। रैंक 3 आशिमा मित्तल। मिस आशिमा मित्तल। पढ़ने और पढ़ाने की शौकीन आशिमा मित्तल जयपुर की रहने वाली हैं। आशिमा की लड़कियों में तीसरी और ओवरऑल 12वीं रैंक है। आशिमा मित्तल को पढ़ने पढ़ाने का शौक अपने माता पिता से मिला जो कि प्रोफेसर हैं। सरल स्वभाव और हमेशा मदद के लिए तैयार आशिमा 2016 की सिविल सेवा परीक्षा भी क्रैक कर चुकी हैं। तब उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला था। आशिमा IAS अफसर बनकर समाज में शिक्षा का स्तर सुधारना चाहती हैं। IIT मुंबई से पढ़ी आशिमा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान भी वक्त निकाल कर जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाया करती थी। रैंक 2 सौम्या शर्मा। डॉक्टर माता पिता की बेटी सौम्या शर्मा ने 2017 की सिविल सेवा परीक्षा में लड़कियों में दूसरी और ओवरऑल 9वीं रैंक हासिल की है। लॉ ग्रेजुएट सौम्या ने ये सफलता अपनी पहली ही कोशिश में सिर्फ 4 महीने की तैयारी करके हासिल की है। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं, उस उम्र में सौम्या अखबार पढ़ना पसंद करती थी, लिहाजा GK उनका काफी अच्छा था। मेंस की परीक्षा के दौरान सौम्या को तेज बुखार था और दिन में 3 बार उन्हें ड्रिप चढ़ाई जाती थी। बीमारी की वजह से वो इतनी कमजोर हो गई थी कि 2 पेपर्स के बीच भी लंच ब्रेक में उन्हें ड्रिप दी जाती थी, पर इन तमाम मुश्किलों को मात देकर वो टॉपर बन गई। रैंक 1 अनुकुमारी। लड़कियों में नंबर 1 अनुकुमारी के बारे में आप शायद काफी कुछ जानते होंगे। बचपन में पढ़ाई में खोकर मोमबत्ती की लौ से अपने बालों को जला लेने वाली अनुकुमारी ने सिविल सेवा परीक्षा के साथ जीवन की दूसरी परीक्षाएं भी दी। उसमें सबसे कठिन था अपने 4 साल के बच्चे को खुद से दूर रखना। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली अनुकुमारी बचपन से ही पढ़ने में काफी अच्छी थी। उनके पिता ने भी बेटी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ लोग बेटियों को पढ़ाना तक नहीं चाहते, वहाँ अनु के पिता ने उन्हें सोनीपत के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। और जब पैसे कम पड़े तो बेटों को सरकारी स्कूल भेज दिया ताकि मेधावी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए। कोई 8 साल नौकरी करने के बाद जब अनु ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का फैसला किया तो वो कोई आसान फैसला नहीं था। भाई ने अनु को बिना बताए जब परीक्षा का फॉर्म भर दिया
तो फिर अनु ने भी तैयारी के लिए हामी भर दी। अनु की सफलता की कहानी तब तक अधूरी है जब तक उनकी माँ का जिक्र ना किया जाए। बच्चों की पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए उन्होंने भैंसे पाली और दूध बेचकर पैसा जुटाया। अनु ना जाने कितनी लड़कियों के लिए मिसाल बन गई है।